खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक नई वीडियो के साथ। आपकी रवि काशिफ खान हाजिर हो चुकी हैं। अब तुम नहीं जाओगे, अब तुम नहीं जाओगे। जब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ उसको तभी सारा याद आ रहा होता है। अब हम लगी नहीं एक नए यूट्यूब वीडियो के साथ आपकी रवि काशिफ खान हाजिर हो चुकी है। टन 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 टन। जैसे कि आप सबको पता है 2023 आ रहे, मतलब नया साल आ रहा है। वैसे तो हर साल ही नया साल आता है, लेकिन इस साल की ना एक अलग ही वाइब आ रही। मतलब क्या बताऊं, मेरा दिल कुछ कह रहा है। बट खैर, वेट कर सकते हैं हम। हो सकता है नया साल कुछ धमाका लेके आए आप सबके लिए भी और मेरे लिए भी। इंशाल्लाह। सो होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आने वाला साल हम सब के लिए, मतलब आपके लिए और मेरे लिए, खुशियों से भरा हो। आमीन सुमामीन। सो आज की वीडियो का सीन कुछ ऐसा है कि भाई, आप लोग को पता है एक धमाकेदार बड़ी पार्टी होने वाली है। अच्छा, पता है ना? देखा था ना पिछला ब्लॉग? नहीं देखा? जिन्होंने नहीं देखा उनसे मैं नाराज हूँ। क्यों नहीं देखा भाई? डेली अपलोडिंग हो रही है, अब भी आप लोग नहीं देख रहे हैं? दिल टूट फूट। खैर कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं देखा तो अभी भी कोई देर नहीं हुई, जल्दी से जाके देखो। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। मेरी एक्साइटमेंट से लग रहा होगा कि मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक तो भाई आ रहा है, आज तो मैं डबल खुश हूँ। भाई कौन? खुली आ रहे इतने टाइम बाद। इतना ज्यादा मैं उसे मिस कर रही थी। भैया जल्दी आ जाए, टाइम झप्पी करूंगी मैं तेरे को। खैर बहुत सारी बातें हो गई, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्टी होने वाली है, लेकिन लड़कियों का एक ही रोना होता है। क्या रोना होता है पता है ना आप लोगों को? अच्छे से बता देती हूँ कि कपड़े नहीं है। बेशक जितने भी कपड़े हों, लेकिन यही रोना होता है कि कपड़े नहीं है। हम क्या पहने? कपड़े नहीं है। बेटा ये पहन लो, कपड़े नहीं है। वो पहन लो, मम्मा पुराना हो गया, कैसे पहन लूं? वैसे एक बड़ा मसला है, कपड़े लेने हो तो मॉल जाओ, ग्रोसरी लेनी हो तो मॉल जाओ, हील लेनी हो तो मॉल जाओ, शॉपिंग करनी हो तो मॉल जाओ। बुरा लगता है भाई, आप इंसान करे क्या? मॉल पता नहीं ऐसा क्या झमेला हो गया है कि हर चीज के लिए मॉल दौड़ते रहो। खैर बहुत सारे कपड़े तो लेके आई हूँ, लेकिन बहुत कंफ्यूज हूँ कि पहनूं क्या। तो मेरे जहन में आया क्यों रहा, मैं अपने फैंस को पूछूं। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोग को ड्रेसेस दिखाती हूँ, फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि मैं क्या पहनूं। आई नो कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे कि रबीका अब कुछ भी पहने अब बहुत प्यारी लगती हैं, तो उनको मैं पहले से शुक्रिया कर दूं कि थैंक यू सो मच, लेकिन फिर भी देख कर कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब पार्टी होती है तो उसपे झिलमिल वाले कपड़े अच्छे लगते हैं। लग गई। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है जब पार्टी होती है तो उसके अंदर झिलमिल वाले कपड़े ही अच्छे लगते हैं। झिलमिल से मुराद चमकदार। बिजली 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 बिजली। ऐसे कपड़े जो के महफिल में जाके बिजली गिरा दे, समझ रहे ना मेरी बात? तो ऐसे बिजली वाले कपड़े मेरे पास बेतहाशा हैं। कुछ नई भी लेके आई हूँ तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सबसे पहले मेरे पास है ये सिल्वर कोट, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा है। मैं इसके अंदर ना कुछ लाइक, अगर मैंने ब्लैक शर्ट पहन ली और नीचे ब्लैक पैंट पहन ली और ऊपर से ये सिल्वर कोट डाल लिया तो कैसा लगेगा? चलिए से बताएं कमेंट सेक्शन में जाके कि कैसा लगेगा अगर मैं ये पहनूं तो। दूसरा दिखाती हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास ये व्हाइट कोट और इसके साथ है ये व्हाइट पैंट, ये गोल्डन और ये बिल्कुल फॉर्मल है, सिंपल सा। ये भी अच्छा लगेगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज्यादा फॉर्मल हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। एनदर वन, दिस कोट इज वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स, को मैंने दो दफा ही पहना है, उसके बाद नहीं पहना। तो उसके अंदर मैं कुछ कंट्रास्ट में पहन सकती हूँ, लाइक लेदर की पैंट, लेदर की शर्ट या वो मूनलाइट वाली शर्ट। नहीं, मूनलाइट अच्छी नहीं लगेगी। लेदर की शर्ट, लेदर की पैंट, ऊपर से ये ब्लैक कोट, कैसा लगेगा? उधम लगेगा ना? कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि मुझे पता चलता रहे। नेक्स्ट है ये गोल्डन कोट, ये भी एक ही दफा का पहना, उसके बाद पहना ही नहीं मैंने। ये भी अच्छा लग सकता है गाइस। क्या कहते हैं आप लोग, इसके साथ क्या कंट्रास्ट होना चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा, सच बताऊं दिमाग अभी बिल्कुल बंद है मेरा। खैर ये झिलमिल वाले कपड़ों की तो लाइनें लगा दो, मेरे पास इतने सारे हैं। नेक्स्ट मैं एक अपना नया आउटफिट लेके आई हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा आउटफिट है बट है झिलमिल वाला, दिखाती हूँ।
ये है वो आउटफिट, आप लोग देख सकते हैं टैग भी लगा हुआ है। ये देखें, सिल्वर गोल्डन और ब्लैक का है बट हाफ स्लीव्स है। सच बताओ तो मुझे हाफ स्लीव नहीं पसंद, बट हाँ ये ड्रेस मुझे अच्छा लगा था तो इसलिए मैं जल्दी से खरीद के लिए आई। हो सकता है मैं ये वाला ड्रेस पहन लूँ, अच्छा लगेगा, वैसे है भी नया। नए कपड़े हो तो बंदे का दिल करता है नए कपड़े ही पहनता रहे, है ना, ऐसा होता है ना लड़कियों के साथ। खैर ये भी अच्छा है। अनदर शर्ट इज हियर, जिसमें मैंने कौन सी वीडियो बनाई थी, ये शर्ट मैं स्पेशली दुबई से लेके आई थी और ये मुझे ऐसे मतलब मैं जा रही थी तो मेरी नजर पड़ गई थी तो मैंने जल्दी से उठा ली थी, बोला यार ये उद्धम है। खैर मैंने वीडियो में पहनी हुई है, वो भी एक ही वीडियो, में इतना नजर भी नहीं आ रहा। ये ब्लैक पैंट पे बहुत प्यारी लगेगी, हो सकता है मैं ये वाली भी पहन लूं। आप लोगों ने एक चीज नोट की, मेरे पास ब्लैक और सिल्वर सितारों वाली चीज है, मैं जब भी चाहती हूँ मैं यही क्यों लाती हूँ। आज मुझे पता चल गया कि मेरे पास ये इतनी सारी कलेक्शन है तो मैं अब नहीं लाऊंगी। अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए तो मुझसे ले ले। अभी मैंने एक आस्क में क्वेश्चन लगाया था कि नए साल में आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं, मतलब क्या गिफ्ट चाहिए, तो सबने पता है क्या बोला, आपकी बर्थडे का ड्रेस। आपको पता है उस ड्रेस में मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की थी, हर डिजाइन हर कलर एक एक चीज पूरा पैटर्न ड्रेस का मैंने खुद बताया था, खुद डिजाइन करवाया था एक डिजाइनर से और वो एग्जैक्टली सेम बन के आया था। तो वो ड्रेस मेरे बहुत क्लोज है दिल के, हो सकता है वो मैं नहीं दूं और हो भी सकता है कि मैं दे दूं। किस किस को चाहिए जल्दी जाके कमेंट सेक्शन में बताओ मेरा बर्थडे ड्रेस। नेक्स्ट ड्रेस है मेरे पास ये गाउन, ये मैंने कब पहना था किसी को याद है, कब पहना था? शर्म ही आ गई ड्रेस पकड़ के। ये हाफ स्लीव्स का, एक्चुअली हाफ स्लीव्स भी नहीं कहेंगे, कैप स्लीव्स का ड्रेस था तो मैंने इसके नीचे शर्ट पहनी थी ताकि वो एक अच्छा लुक भी दे दो और ये चीज कवर भी हो जाए तो अच्छा लगा था। ये वाला कैंसिल है, ये नहीं पहनूंगी। ऐसी शर्ट्स भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी प्यारी और ये भी ब्लैक है, इस पे जो है वो स्नोमैन बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ये शर्ट भी बहुत प्यारी, जीन्स पे अच्छी लगती है, इसके ऊपर कोट भी आ सकता है, है ना। अगर ये शर्ट पहनो उसके ऊपर कोट पहनो तो अच्छा लगेगा ना, बट किस कोट के साथ अच्छा लगेगा आप लोग बताएंगे मुझे। ब्लैक के साथ साथ ऐसी सिल्वर शर्ट भी है मेरे पास, दिखाती हूँ मैं आप लोग को, ये देखें ये भी प्यारी है। वैसे मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि वो जो सिल्वर कोट है उसके नीचे सिल्वर शर्ट, सिल्वर ही कोट, सिल्वर ही पैंट, या हो सकता है सिल्वर पैंट, सिल्वर शर्ट और ब्लैक कोट, क्या कहते हैं, अच्छा रहेगा, बुरी तो नहीं लगूंगी। ये ड्रेस गाइस याद है, सिर्फ एक दफा शूट पे पहना था, उसके बाद पहना ही नहीं। हो सकता है मैं ये पहन लूं, मेरा दिल कर रहा है मैं यही पहनू, क्या कहते हैं आप लोग। सेम ट्राउजर है, सेम शर्ट है, इसके ऊपर कोई मैं अपर डाल लूंगी ब्लैक या कोई मल्टी कलर का। और सच बताओ तो ये ड्रेस मुझे याद ही नहीं था, मतलब जो नई ड्रेसेस आते थे वही पहने, वही पहन के चले गए, वो भी एज इट इज रखे रह जाते थे, ऐसा होता है मेरे साथ। देखें आपकी रबिया काशिफ खान कैसी है, इतने सारी ड्रेसेस मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं, अब आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी सेलेक्ट करने में, तो जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मेरी जो ये टेंशन है ना ये दूर हो सके कि क्या पहनूं, समझ नहीं आ रहा, प्लीज कोई हेल्प कर दो, वो कर दो वो कर दो, तो ये टेंशन दूर हो जाएगी ना तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी, मेरी न्यू ईयर भी अच्छे से सेलिब्रेट होगी। ये एक छोटी सी वीडियो थी, इसे जल्दी जाके लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारा प्यार बरसाना है अगर आप लोग चाहते हैं न्यू ईयर पार्टी देखना। अगर प्यार नहीं बरसाया तो मैं न्यू ईयर वाली पार्टी जो है वो कैंसिल कर दूंगी, अच्छा लगेगा आप लोगों को कि मैं उदास होकर नए साल में जाऊंगी, नहीं लगेगा ना। तो जल्दी जाके देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बहुत सारा प्यार बरसाओ। Keep supporting, keep loving. Mwah. Lots of love. Take care. Bye-bye.